नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी द्वारा स्थापित इतिहास की एक कमेटी है, महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय स्मृति समिति का सदस्य हूँ। और मेरे साथ बैठे हैं श्री नरेंद्र सिंह जी चौहान, हरसरू से हैं, गुड़गांव से। भाई ठाकुर सागर प्रताप जी बैठे हुए हैं, चौहान कुल के बड़वा जी विराजमान हैं। हमारे भाई यश प्रताप जी पुंडीर हैं, दीपक जी हैं अंबड़ से। पूरे विषय पर चर्चा करने से पहले, विषय आपको पता है कि आजकल क्या हो रहा है कि सम्राटों के नाम के आगे जातियां लिखी जा रही हैं। सम्राट, महापुरुष, योद्धा भले ही किसी भी जाति में पैदा हो, लेकिन वो पूरे राष्ट्र की थाती होती हैं, पूरे समाज की थाती होते हैं। लेकिन उनको जब किसी जाति से जोड़ा जाए, और वो भी ऐसी जाति से जोड़ा जाए जिससे उनका सीधा कोई संबंध नहीं हो, तो फिर सबको दर्द होता है। ये विषय है। इस विषय को समझने से पहले मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट भाई मनोज जी राणा को, जो देहरादून से पधारे हुए हैं और सहारनपुर से के रहने वाले हैं। थोड़ा सा प्रोजेक्टर चलते हैं, थोड़ा फिर तरफ। ये आपको पीपीटी के माध्यम से ये बताएंगे कि आखिर ये गुर्जर देश है या गुर्जर जाति है। आखिर क्या ये चक्कर है कि हमको बार बार गुर्जर शब्द को देखकर भ्रमित होते हैं कि ये किसी जाति सूचक है, किसी सम्राट का, जैसे गुर्जर नरेश बोलते हैं, अयोध्या नरेश बोलते हैं, इसी तरीके से किसी प्रांत से संबंधित शब्द है या जाति से संबंधित। तो भाई मनोज जी, आप कृपया 5 मिनट के अंदर पूरी स्लाइड से एक बार आप ये देख लें, ताकि ये डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे, फिर अपन चर्चा करेंगे। जी, सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं एडवोकेट मनोज राणा देहरादून से, गांव मेरा बैठा सुंदर सिंह, जिला सहारनपुर। आज का जो विषय है, बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी नरुका बसेठ ने आपको बता दिया है, मुद्दा वही रहता है कि आज जो जितने भी हमारे क्षत्रिय कुल के हमारे पूर्वज महान राजा हैं, उन पर किसी जाति विशेष का जो है एक लेबल लगाने का प्रयास, दुष्प्रयास करें वो होता है। अब हमें सिर्फ ये कहना है कि जिस जो आदमी ये बात कह रहा है कि कई हमारे इतिहास के साक्ष्यों में उन्हें जो है वर्ड शब्द समझ लिया, शब्द आपके सामने भी है, गुर्जर देश, गुर्जर, और जो जाति है वो है गुर्जर। थोड़ा सा इसको भेद को समझिया, गुर्जर देश और गुर्जर जाति। गुर्जर जो देश है वो स्थान सूचक है, गुर्जर जो है वो जाति सूचक। वो कैसे है वो आपको जो इस पीपीटी के माध्यम से मैं बता रहा हूं। आप ये देखिए कि शब्द गुर्जर एक भौगोलिक अर्थ को दर्शाता है, जैसा कि इसके उपयोग के शुरुआती दिनों में, यानी 7वीं शताब्दी के बाद से विभिन्न शिलालेख, हम नहीं कह रहे, जो शिलालेख उपलब्ध है जिनके ऊपर इतिहास लिखा जाता है और इतिहासकार शोध करके जो है उसको ये बताते हैं कि क्या है, उन शिलालेखों में गुर्जर देश को स्थान सूचक बताया, जाति सूचक कहीं नहीं लिखा गया। आपको और भी है, जैसे इंपीरियल प्रतिहारों का मिक्स, बस्ट ऑफ मिक्स ऑफ प्रतिहार, उनके बारे में लिखा है, के एन मुंशी जी ने लिखा है, ओझा जी ने लिखा है, शांता कुमारी ने लिखा है, सब इतिहासकारों ने स्थान सूचक बताया है गुर्जर को, किसी भी जाति सूचक नहीं बताया। इसमें आप जो है, इसमें कोई भी आप देखिए, जितने साक्ष्य हम दे रहे हैं, मुगेटी मंदिर एरकोल शिलालेख का जो है 634-635 एडी के अभिव्यक्ति में लाठ मालवा गुर्जर में पुलकेशिन सिंह के सामने आक्रोशन करने वाले शासक का उल्लेख है, उनका क्षेत्रों द्वारा किया गया जिन पर शासन किया था। आप ये देखिए, शासन किया था। अभी आप कोई चीज अगर कह रहे हैं, जैसे मैंने बड़े भाई का नाम लिया राजेंद्र सिंह जी नरुका बसेठ, बसेठ उनकी जाति नहीं है, बसेठ नाम के बाद क्यों जुड़ा, क्योंकि वो गांव बसेठ के रहने वाले, स्थान सूचक। मैंने जब अपना परिचय दिया तो मैंने कहा मनोज राणा एडवोकेट बेहड़ा संदल सिंह, बेहड़ा संदल सिंह मेरी जाति नहीं है, बेहड़ा संदल सिंह स्थान, जहां से मैं स्थान हूँ, जहां से मेरा निकास है, जहां से मैं आया हूँ वो है। आप ये समझिए, जैसे उन्होंने फिर मालवा का जिक्र किया, अयोध्यापति, लंकाधिपति, लंकेश की जो है जाति लंकाधिपति नहीं थी, लंका जाति थी नहीं थी उनकी, लंका स्थान सूचक। हर्षचरित में भी ये लिखा हुआ है, हर्षचरित्र में भी साफ लिखा, स्कंद पुराण में भी साफ लिखा हुआ है, हर जगह आप देखेंगे तो इसका जिक्र किया हुआ है। आप ये देखें तेलंगाना में, कर्नाटक में, द्रविड़ में, मध्युगीन गुर्जर, मतलब ये जो है ना, ये स्थान सूचक है, जाति सूचक नहीं। इसका सबसे बड़ा अगर आप कोई चीज देखना चाहेंगे तो भारतीय सरकार ने अगर किसी जाति को, अगर आप देखें जाति विशेष की बात करें, गुर्जर को ओबीसी में रखा हुआ है, गुर्जर, गुर्जर को ओबीसी में नहीं लिखा हुआ,
आप इसी से समझिए, बहुत बड़ा क्लियर है कि जो चीज जाती वो ओबीसी का ले रहे हैं, ओबीसी का उन्हें मिल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन गुर्जर तो वहां जिक्र ही नहीं है ना, क्योंकि गुर्जर जाति है ही नहीं, और वो सिर्फ एक गुर्जर, गुर्जराधिपति, लंकाधिपति, अयोध्यापति, उसको जो है उन्होंने एक वर्ड करा, क्योंकि कंप्यूटर में आप सब जानकार होंगे, आप जब कंट्रोल एस करते हैं और गुर्जर लिख देंगे तो जो आगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब आती होगी गुर्जर, वो सिर्फ वो काम हो रहा है, इसके अलावा और काम नहीं। आपके सामने और सारे जो है हम फैक्ट्स जो रख रहे हैं, इसमें है द द्रविडियन फैक्ट्स है, तमिल का, द तेलंगाना, द कर्नाटक, द रेसिडेंट ऑफ माया देश ऑफ गुर्जरा, आप ये देखें द रेसिडेंट्स ऑफ माया देश एंड गुर्जरास, साफ साफ लिखा हुआ, दीज फाइव आर सेड टू बी द फाइव द्रविडियंस, तो जो यहाँ गुर्जरास जगह में रहते थे उनको द्रविडियन कहा गया। इसी तरह जो यहां से निकले हैं, मैं इसके और साक्ष्य हम आपको देंगे कि जो गुर्जर देश गुर्जरात्रा से निकले हैं, गुर्जर ब्राह्मण भी है, गुर्जर वैश्य भी है, गुर्जर शूद्र भी है, तो जाति नहीं है, स्थान सूचक है। आपको एपिग्राफी इंडिका जो एक शब्द है, ये है जो किताब है, ये सबसे प्रमाणित किताब है आज के समय में, शुरू से लेके वैदिक काल से लेके, वैदिक काल के बाद मध्ययुगीन काल आया, मध्ययुगीन के बाद राजपूत काल आया, राजपूत काल के बाद जो है आपका सल्तनत काल आया, सल्तनत के बाद ये आपका ब्रिटिश काल आया, और अब जो है लोकतंत्र आया, उन सब में सारा का सारा निचोड़ एपिग्राफी इंडिका में आपको मिल जाएगा, ये प्रमाणित शिलालेखों के साथ है। इसमें कहीं भी जो है गुर्जर को जो है जाति नहीं कहा गया, गुर्जर को हमेशा आप ये देखेंगे विदित गुर्जर अधिरजक्ष, ये कहा गया स्थान सूचक बताया गया, जैन प्रशस्ति में भी है, पीछे करना पीछे जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह पतन में ताड़ के पत्र की पांडुलिपि, आप ताड़ पत्र जो है ना उसके पेड़ के पत्ते होते थे, उसमें भी जो पांडुलिपि लिखी हुई है उसमें भी गुर्जरादि देश, आप देखे प्रबंध कोश में अमास्य भुक्त गुर्जरादि देश का उल्लेख है, अर्थात आम की भुक्ति में गुर्जर जैसा देश थे, गुर्जर देश है, जाति नहीं है, स्थान का ही जिक्र हो रहा है, हर जगह जाति का जिक्र नहीं हो रहा। तो आप लोग जो इससे भ्रमित ना हो, जो एक जाति विशेष जो है इसको भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, स्थान का नाम लेके वो अपनी जाति से जोड़ रही है। और किताबें हैं राजस्थान थ्रू जे एजिस है, उसमें भी सेम यही है, आप ये देखे कमेंट में लाइक सौराष्ट्र एंड लता, गुर्जरा इज द नेम ऑफ अ टेरिटरी हियर, टेरिटरी मतलब जगह का, स्थान का नाम, जाति का नाम नहीं। किसी भी, मैं कह रहा हूं किसी भी एक भी जितनी भी इतिहासकार हुए हैं आज तक, किसी ने गुर्जरा को जाति नहीं कहा, गुर्जर, गुर्जर को कहा है, गुर्जर तो जाति है लेकिन गुर्जर नहीं। आप हर जगह देखेंगे, आप ना काशी का है, कौशल का है, कर्नाटक का है, गुर्जरा, गोल, केरला, पांड्या, सब कुछ है जगह, स्थान का नाम, ये कहीं जाति का नाम नहीं। ये जो आपके सामने साक्ष्य दिए जा रहे हैं, ये साक्ष्य प्रमाणित साक्ष्य हैं जो शिलालेख उपलब्ध है, ये आपको दिए भी जाएंगे, ये आपको हम प्रोवाइड भी कर देंगे, प्रेस नोट के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। ये कुमार पत्रा जो है, ये भी साउथ का जो है शिलालेख है, उसमें भी इसको जो है गुर्जर को जो है जगह बताया गया, कहीं भी जो है जाति नहीं बताया। तो कुल मिला के ये आप देखिए प्रभा का चरित्र 13वीं शताब्दी का, उसमें भी है घटियाला शिलालेख 816 ईस्वी में, उसमें भी जो है स्थान बताया है कि आर्यों के बीच गुर्जरात्रा में लता देश में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। अब जाति में तो प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते ना, मतलब उस स्थान में रहते हुए प्रसिद्धि प्राप्त करी, तो गुर्जरा जो है गुर्जरात, गुर्जरा जो है स्थान का है, जाति का नहीं। भोजदेव एक दौलतपुर प्लेट में 843 एडी में भी उनका जिक्र है, सोमदेव सूरी के यस्तलिक चंपू में 1959 एडी में भी स्थान का जिक्र है, जाति का कहीं जिक्र नहीं। आप इंपीरियल प्रतिहार सूर्यवंश ऑथेंटिक किताब है, उसमें भी उन्होंने साफ साफ लिखा है, आपका के एन मुंशी जी जो है शांतारानी शर्मा है जिन्होंने ग्लोरी दैट वॉज गुर्जरा देश, उन्होंने लिखा है के एन मुंशी जी ने ग्लोरी दैट वॉज गुर्जरा देश, के एन मुंशी जी बहुत बड़े इतिहासकार हैं हमारे भारत के। शांतारानी शर्मा ने जो अपना थीसिस जिसमें पीएचडी करी, उन्होंने पीएचडी पे उन्होंने लिखा ओरिजिन द राइज ऑफ इंपीरियल प्रतिहार ऑफ राजस्थान ट्रांसलेशन ट्रांजेक्शन एंड हिस्टोरिकल चेंजेस, में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि गुर्जर और आज की गुर्जर जाति का कोई भी कहीं से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, गुर्जर जाति है, गुर्जर जो है स्थान सूचक।
ये आपको सारे हम जो साक्ष्य दिए ये 19 के ये 26 साक्ष्य जो है ये सारे वो साक्ष्य हैं जो स्थान बताते हैं जाति किसी को नहीं होता। ये अभी तो ये चीज आपको हमने ये कराया है कि ये जाति का जो झगड़ा चल रहा है हम ये कहते हैं गुर्जर जाति है, हम भी मानते हैं वो भी मानते हैं, हमारा सिर्फ झगड़ा ये है कि गुर्जर जो स्थान विशेष है उसको वो जाति में ना तब्दील कर, हमारा मुद्दा सिर्फ ये कि गुर्जर नाम को लेके उसको अपनी जाति में मिला के ये ना कहें कि साहब ये था। अब आप बहुत छोटा सा ये आपको उदाहरण देता हूं मैं कि अगर हम ये कहें वो ये कहते हैं साहब हम क्षत्रिय हैं या कैसे थे या नहीं थे, इस मुद्दे को देखें कि दूध से जो है पनीर बन जाएगा, दूध से मक्खन बन जाएगा, दूध से घी बन जाएगा, आप ये बताइए क्या घी से आप दोबारा जो है दूध बना सकते हैं, पनीर से दूध बना सकते हैं, मक्खन से दूध बना सकते हैं, क्षत्रिय से अन्य जाति हुई होंगी हम मना नहीं कर रहे हैं लेकिन उन जातियों से क्षत्रिय हुए ये तो संभव ही नहीं है। तो ये सब इसी तरह से है, आप इस चीज को बड़ा क्लियरली समझें कि गुर्जर जाति है, गुर्जर जो है स्थान सूचक, थोड़ा पार्ट ऑफ आज का गुजरात और उस समय थोड़ा पार्ट राजस्थान का गुर्जरात्रा, गुर्जरात्रा जो है वो जगह थी और उसपे जिन्होंने राज्य किया उन्हें गुर्जराधिपति कहा गया है, वो जाति सूचक नहीं था। अगर जाति सूचक होता तो क्या किसी भी उसमें आप देखिए क्षत्रिय में राम जी थे कृष्ण जी थे उनके सामने कोई लिखा गया जाति सूचक, यार लंका मानो लंकाधिपति है क्या उन्होंने लिखा ब्राह्मणाधिपति, अपनी जाति का अधिपति लिखा गया किसी ने भी लिखा, तो गुर्जराधिपति कैसे लिख देंगे। और इसके अलावा हम और अन्य साक्ष्य भी आपको देंगे कि जो जिनके बारे में कहा जा रहा है गुर्जर गुर्जराधिपति मिहिर भोज जी प्रतिहार, उन्होंने तो लड़ाई ही जो है गुर्जर से लड़ी थी। अब ये जब इनके खुद के इतिहासकार जो गुर्जर जाति के इतिहासकार हैं उसमें डॉक्टर सुशील भाटी जी जो है बड़े नामी इतिहासकार हैं जो गुर्जर जाति साहब, उन्होंने खुद को अपने आप को विदेशी बताया, शक और हूण की संतान बताया, अगर शक और हूण की संतान है तो इसका मतलब बाहर से आए। और ये जिनके बारे में कह रहे मिहिर भोज प्रतिहार, प्रतिहार मतलब कि रक्षक, अगर आप इसका जो है शाब्दिक अर्थ देखेंगे प्रतिहार मतलब रक्षक, जो बाहर से आक्रमण कर रहा है और उसका जो रक्षण कर रहा है भारत देश का तो वो प्रतिहार है, शक और हूण के खिलाफ तो उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो मेरा कहना सिर्फ यही है ये प्रतिहार वंश के कुछ अन्य प्रमाण है जो आपको दे दिए हैं। इसके बाद मैं आज जो हम विषय लेंगे मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा आप जो भी सवाल पूछना चाहें आप सवाल पूछें ब्रीफिंग कर देंगे आ जाइए इधर आइए। पीपीटी के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया है जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं कि गुर्जर एक प्रांत का नाम है, क्योंकि हमारे कुछ बंधुओं ने ये भ्रम फैलाया हुआ है कि साहब गुर्जर प्रांत नहीं, गुर्जर एक जाति थी और उस जाति के नाम पर प्रांत का नाम पड़ गया। स्कंध पुराण में गुर्जर प्रांत है, 5 ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, द्रविड़ियन 5 ब्राह्मणों की नियुक्ति की, इनके अंदर कर्नाटक ब्राह्मण, इसी के अंदर गुर्जर ब्राह्मण, इसी के अंदर केरल ब्राह्मण और इसी के अंदर 5 अलग अलग मध्य देश ब्राह्मण, अलग अलग 5ों देशों का 5 प्रांतों का जिक्र हुआ। इसी प्रकार से गुर्जर जो देश है उसकी अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय आदरणीय महात्मा गांधी जिनको राष्ट्रपिता भी कहते हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहो या पाकिस्तान के उनको पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे जान नहीं है, कायदे आजम, वो मोहम्मद अली जिन्ना और कस्तूरबा गांधी जी जब ये बाहर से आए तो गुर्जर जो सभा थी वो गुर्जर सभा के अंदर गुर्जर देश में गुर्जर, भाई साहब निवेदन है थोड़ा सा हम बात कर लें तो ठीक रहेगी, गुर्जर प्रांत के सभी लोग प्रोमिनियंट लोग उस गुर्जर सभा के सदस्य थे और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर ये हमारे अली जिन्ना जी, उनको गुर्जरों का श्रेष्ठ बताया है कि श्रेष्ठ गुर्जर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जबकि वो धर्म से मुस्लिम थे और जाति से राजपूत थे, दुनिया जानती होगी, मेरे को तो इस बात से अब कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान गए बाढ़ में जाए वो।
लेकिन यह बात साबित करती है कि उस समय तक भी जिसमें के मुंशी जी इसका जिक्र करते हैं, जिसका बहुत ज्यादा हमारा गुजर भाई बताया करते हैं कि ग्लोरी वाज गुर्जर देशा, गुर्जर देश की ग्लोरी का मतलब है प्रतिभाएं, यानी उसका गौरव, गुर्जर देश का गौरव उन्होंने किसको बताया, जिन्ना को, गांधी को, कस्तूरबा गांधी को। और महात्मा गांधी के बारे में उस सभा में कहा गया कि सारे संसार में देश का तो नाम रोशन किया ही है महात्मा गांधी ने, लेकिन गुर्जरों का नाम रोशन किया, इसका मतलब जैसे राजस्थानियों का नाम, जैसे पंजाबियों का नाम, जैसे प्रांतों के नाम होते हैं, प्रांत के लोगों को मराठा, महाराष्ट्र वालों को मराठी बोलते हैं, गुजरात वालों को आज गुजराती बोलते हैं, उस समय गुर्जर बोलते थे सभी को, और उस देश के राजाओं को गुर्जर नरेश बोलते थे। और वहां पर एक कुल था प्रतिहार कुल, जो कि किस कहां से पैदा हुआ, वो पैदा हुआ चार क्षत्रियों के जिनको अग्निवंश कहते हैं। पुस्तक लाइए, बहुत ज्यादा वो जिक्र करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल की, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज महाकाव्य का। मैं आपको निवेदन कर दूं, भारत में जो कालखंड हैं, ये इतिहास के जो कालखंड हैं, ये बांटे गए हैं सबसे पहले वैदिक काल आता है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, वैदिक काल आता है, इसके बाद महाकाव्य काल आता है जिसमें रामायण और महाभारत दोनों का महाकाव्य काल है, और इसके बाद आता है प्राचीन काल जिसमें भगवान बुद्ध, जैन, मौर्य वंश, गुप्त वंश और शुंग तक का कार्यकाल को प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जो कालखंड है उसका नाम क्या है, राजपुत्र कालखंड, राजपूत कालखंड। राजपूत कालखंड कब से आता है, सम्राट हर्षवर्धन से लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय तक, जिसको हम कह सकते हैं कि सातवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी के एंड यानी 1192 तक के काल को। ये क्या हुआ, पूरा जितने भी काल हैं, चाहे वैदिक काल हो, महाकाव्य काल हो, प्राचीन काल हो, वो क्षत्रिय राजाओं के कार्यकाल हैं और क्षत्रिय काल हैं। फिर अचानक सातवीं से बारहवीं सदी के काल को राजपूत कालखंड क्यों कहा गया, ये आपके और हमारे सबके जहन में विषय उठता है और इतिहास के विद्यार्थी इस पर शोध करते हैं। राजपूत जाति की उत्पत्ति के बारे में विदेशियों के अपने तर्क और कुतर्क हैं और भारतीय इतिहासकारों के अपने तर्क और कुतर्क हैं, दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं। लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो बात मानी जाती है वो मानी जाती है कि भारतीय राजपुत्र वर्ग जो है वो प्राचीन भारतीय क्षत्रिय राजवंशों के ही वंशज हैं। लेकिन इनको राजपूत क्यों कहा गया, इसके लिए हमको पृथ्वीराज रासो में जाना पड़ेगा। पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की, राजपुत्रों की उत्पत्ति के बारे में एक मत दिया गया है और वो मत यह है कि जब भगवान बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए और जब उनका मत प्रचलित हुआ, क्योंकि वो मध्यम मार्ग था इसलिए बहुत लोकप्रिय हुआ, और उस लोकप्रिय में सबसे पहले ज्यादातर राजवंशों ने अपने आप को बौद्ध मत में दीक्षित कर लिया, क्योंकि खुद भगवान बुद्ध सम्राट शुद्धोधन के पुत्र थे जो कि शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, लिच्छवी वंश के थे महावीर स्वामी। जब ज्यादातर क्षत्रिय राजवंशों ने जैन और बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया और ये दोनों ही मत अहिंसा पर आधारित थे, यानी शस्त्र के बजाय केवल मात्र शास्त्र तक की बात करते थे, परिणाम यह हुआ कि विश्व के दूसरे पटल पर इस्लाम का उदय हो गया। और इस्लाम के उदय के बाद लोगों ने मशाल और तलवार हाथ में लेकर देश के देश रौनते चले गए, जिसमें अफगानिस्तान गया, सीरिया गया, मिस्र गया, ईरान गया, इराक गया। और जब इन्होंने दस्तक भारत में दी तो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग ने, भारत के ज्ञानियों ने विचार किया कि ये हमारे जो राजा बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए हैं, ये शस्त्र के बजाय बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि कर रहे हैं। और सम्राट अशोक के बाद इन्होंने आक्रमणकारी नीतियां बदल दी। उसका परिणाम यह हुआ कि जब विदेशी आक्रांता, जिनमें शक थे, हूण थे, कुषाण थे, सीथियन थे और फिर अरब थे, इनके तेजी से आक्रमण होने लगे तो माउंट आबू, जिसको आबू पर्वत कहते हैं, उस पर्वत पर एक ऋषि ने चिंता व्यक्त की। वो ऋषि भी वशिष्ठ की पीठ के संत थे इसलिए उनका नाम भी वशिष्ठ था, और वो सभी राजवंशों के पास गए और उनसे कहा, आज हमारे भारत की भूमि पर विदेशी आक्रांता खड़े हुए हैं, आप शरणम गच्छामि बंद कीजिए, शस्त्र उठाइए, धनुष उठाइए।
लेकिन चूंकि किसी मत का प्रभाव इतना अधिक होता है, ज्यादातर राजाओं ने उनकी ये बात स्वीकार नहीं की। तब उन्होंने एक फतवा जैसे जारी करते हैं, ऐसे एक संदेश भेज दिया कि देश धर्म और न्याय की रक्षा के लिए जो राजवंश आना चाहते हैं वो यहां माउंट आबू पर आए, और इस माउंट आबू पर एक अग्नि के द्वारा जो शुद्धिकरण किया जाता है, अग्नि के अंदर आपने देखा होगा अपन ताबीज लेते हैं, कोई संत देता है तो उस ताबीज को जब कहीं गमी में जाने के बाद वो खराब हो जाता है तो हम दीपक के आगे उसको चलाते हैं, हम धूप के आगे चलाते हैं और हवन करते हैं, और हवन में भी उसको शुद्धिकरण करते हैं। ऐसे ही चार राजाओं को, जिनमें एक थे प्रतिहार, दूसरे थे परमार, तीसरे थे चहमान और चौथे थे चालुक्य। चालुक्य चंद्रवंशी राजाओं में से आए, और चौहान, परमार और प्रतिहार सूर्यवंशी राज परिवारों से आए। लेकिन चूंकि उनसे अलग करना था बौद्ध और जैन मत वाले साधुओं से, राजाओं से, तो इन्होंने इनका नाम रख दिया राजपुत्र, क्योंकि राजाओं के पुत्र तो थे ये चारों, तो राजपुत्र नाम से। ये राजपुतों की उत्पत्ति यहां से बताई जाती है पृथ्वीराज रासो के, उसमें ये वाला भाग इनको दे दीजिएगा उसमें से निकाल के। यस प्रताप, अब बात आती है कि पृथ्वीराज रासो में राजपुत्र शब्द आ गया, फिर ये राजपूत कब बन गया? भाई संस्कृत शब्द क्या पुत्र का, हमारी देसी भाषा में पुत्र कहते हैं, हमारे यहां पोता कहते हैं पोत्र को, और पोती कहते हैं पोत्री को, और पितृ को कहते हैं पिता, भ्रातृ को कहते हैं भाई, ऐसा ही है ना देसी भाषा के अंदर। और अब तो आप पंजाब के बॉर्डर पे खड़े हैं, यहां तो पुत्री कहा जाता है, कहा जाता है ना, पुत्र कहा जाता है या पुत कहा जाता है। इसी प्रकार से राजपूत शब्द हिंदी अर्थ है, ये बात हमारे गुजर भाई भी मानते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरीदाबाद में की, उसमें माना कि राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का पर्यायवाची हिंदी अर्थ शब्द है। तो यहां तो उनमें और हमें कोई मतभेद नहीं है। अब बात आती है कि राजपूत कालखंड सातवीं से बारहवीं सदी का है। शक, सीतियन, हूण और कुषाण और अरब, इनको मार भगाने वालों में सम्राट हर्षवर्धन बैस भी थे। सम्राट हर्षवर्धन बैस जब सम्राट बने तो उनके पिता महाराज प्रभाकर जीवित थे, और राजपूतों में एक रिवाज है क्षत्रियों में, पिता के जीवित, अभी मैंने मेरा नाम बताया था कुंवर राजेंद्र सिंह, पिता के सर पर आशीर्वाद होते समय वो अपने नाम के आगे ठाकुर, राजा, महाराजा, राणा नहीं लगाता, बल्कि राजपुत्र लगाता है, जिसका राजस्थानी भाषा में अर्थ होता है कुंवर, वो लिखता है कुंवर। इससे मतलब पता चलता है कि उसके पिताश्री जीवित हैं। हर्षवर्धन के पिताश्री महाराज प्रभाकर जीवित थे, इसलिए उसने अपना नाम क्या देखा, सम्राट राजपुत्र हर्षवर्धन, ताकि लोगों को यह जानकारी रहे कि सम्राट तो है पर महाराज प्रभाकर का आशीर्वाद अभी इसके ऊपर है। जब कोई राजा प्रसिद्ध होता है तो उसके टाइटल उसके सामंत भी लगाते हैं और उसके समकालीन राजा भी लगाते हैं। ज्यादातर समकालीन सामंत और राजाओं ने फिर अपने नाम के आगे राजपुत्र शब्द लगाना गौरव का प्रतीक समझा, और वहां से राजपुत्र शब्द, चूंकि एक तो अग्नि कुंड की उत्पत्ति के कारण राजपुत्र अलग लगा रहे थे जिससे जैन और बौद्ध जो राजा हैं उनसे वो अलग नजर आए, और दूसरा उन्होंने ये राजपुत्र की उपाधि को लेकर चले तो वो राजपुत्र कालखंड कहलाया। अरब के लोगों पर पुत्र जैसे शब्द नहीं बोले जाते तो वो राजपूत कहने लगे। ये राजपूत कालखंड है जो सातवीं से बारहवीं सदी के बीच में है। इस बात को भारत सरकार का नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी NMA है वो भी स्वीकार करता है, और भारत सरकार का जो पुरातत्विक विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, वो भी इस बात को स्वीकार करता है कि सातवीं से बारहवीं सदी, और आपने भी बहुत से सभी का इतिहास विषय कंपल्सरी तो रहता ही है दसवीं तक आठवीं तक, राजपूत कालखंड जो है सातवीं से बारहवीं सदी का है। इसके प्रोमिनियंट राजा हुए हैं सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, चूंकि उनका राज कन्नौज से लेकर गुर्जर देश तक था, और गुर्जर देश जो है बिल्कुल अरब के नजदीक पड़ता है, उसके बाद अरब सागर आ जाता है, तो गुर्जर के वो प्रतिहार थे, उसके रक्षक थे, इसलिए उनको गुर्जर प्रतिहार सम्राट, सम्राट गुर्जर प्रतिहार बोला जाता है, इसलिए वो गुर्जर देश उनके साथ लगता है, और इसलिए उनको गुर्जर सम्राट भी बोला जाता है स्थानवाचक होने के नाते। और हमें या पूरे देश को इस बात में कभी कोई आपत्ति भी नहीं रही, लेकिन जब इस शब्द को स्थानवाचक से लोगों ने जाति मान लिया और इस पर ये कहने लगे कि नहीं ये तो जाति से संबंधित है, तब पीड़ा उनको होने लगी जो वास्तव में इस वंश के लोग हैं। राम को सारी दुनिया पूजती है और पूजना भी चाहिए, हर जगह राम के मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में यह नहीं लिखा हुआ कि क्षत्रिय श्री राम, बताओ कहीं लिखा है क्या,
किसी भी मंदिर में नहीं लिखा हुआ कि क्षत्रिय श्री कृष्ण, किसी भी मंदिर में नहीं है। लेकिन यदि कोई लिख दे कि ब्राह्मण श्री राम, गुजर भाई नहीं, यदि ब्राह्मण भी कोई श्री राम लिखेगा कि ब्राह्मण श्री राम, तो मुझे ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा कि राम को जाति में बांध रहे हो। यदि जाति यदि कोई पूछेगा तो बता देंगे सूर्यवंशी क्षत्रिय है, इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय सब कह देंगे, लेकिन जाति भी लिखो और वो भी ऐसी लिख दो जो वो है नहीं, तो आपत्ति होगी ना। इसी प्रकार से यह आपत्ति का विषय है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को यदि स्थानवाचक लिखते हैं, आप नीचे लिखते हैं कि यह गुर्जर देश तक इनका राज्य था, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यही कारण है कि हमारा जो दूसरा पक्ष है वो जब कुतर्क देता है तो वो कहता है कि दिल्ली में मिहिर भोज जी की प्रतिमा लगी और उसमें लिखा सम्राट गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज, आपने आपत्ति नहीं की। क्यों आपत्ति करते, गुर्जर देश के राजा थे, हमने समझा आप वही लिख रहे हैं। फिर मार्ग का नाम रखा गया गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान, कोई आपत्ति नहीं क्योंकि गुर्जर देश के राजा थे, गुर्जर सम्राट थे। कई जगह और मूर्तियां लगी, हमने कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन जब देखा कि ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर कहने लगे, महाराज अनंगपाल तंवर को गुर्जर कहने लगे, जब ये महाराज भोज परमार को गुर्जर कहने लगे, तब हमको इस बात की भनक लगी कि यार ये तो जाति से जोड़ रहे हैं उसको, जबकि गुर्जर शब्द अलग और गुर्जर जाति अलग, ये आपको बता दिया है। यदि वो गुर्जर लिखकर गौरवान्वित अनुभव करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर राजा महाराजाओं को तो जाति में मत बांधो। यदि राजा महाराजा जाति में बांधे जाएंगे तो फिर चलो हमें तो इसलिए दर्द है कि वो क्षत्रिय थे, पर ये तो हर एक नागरिक का धर्म है कि राजा पूरे देश का होता है, किसी जाति का नहीं होता। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अब यदि कोई क्लेम करने लग जाए उनके ऊपर कि ये साहब मोदियों के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या ये अच्छा बनेगा? इसी प्रकार राजा सबका होता है और राजा सबका पिता तुल्य भी होता है, इसलिए कोई ये कहता है कि हम उनके वंशज हैं, वहां भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, भाई सबके पिता होता है तो राजा तो। लेकिन कोई यदि उनकी जाति बदलेगा, आज सारा देश कहता है ना कि हम राम की संतान है, किसी को कोई आपत्ति है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा क्या राम के वंशज हैं, मैं खुद गया सुदर्शन न्यूज पर, मैंने कहा मैं तो है क्योंकि वो राम का अनुयायी है, राम को पूजता है। तो इसी प्रकार से राजाओं की जाति नहीं बदली जाए। उन्होंने हमारे पास तीन चार प्रमाण दिए, सबसे ज्यादा वो पृथ्वीराज रासो चिल्लाते हैं। अब ये पृथ्वीराज रासो रखा है, ये पब्लिक में है, राजस्थानी ग्रंथाकार साहित्य वाले इसको बांटते हैं बेचते हैं, मेरी और आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये लिखा कविवर चंद्र वरदाई ने और उनके वंशज हैं आज की तारीख में मोहन सिंह जी। उन्होंने इस पृथ्वीराज रासो को अब अपनी भाषा में टीका भी किया है, जो मूल शब्द हैं, जो मूल शब्द पृथ्वीराज रासो में प्रयोग हुए हैं, उनका यदि अपने को कोई अर्थ समझ नहीं बैठे तो हमको किससे पूछना चाहिए? ये डिंगल साहित्य है, राजस्थान का डिंगल और पिंगल साहित्य है, जो भाषा के जानकार हमारे राजस्थान में भाट चारण और बड़वाजी है, हमारे बीच में चौहानों के बड़वाजी बैठे हुए हैं। यदि कोई श्लोक कोई दोहा कोई अंतरा हमारे समझ नहीं आता है तो हमें किससे पूछना चाहिए? हमें उन्हीं चारण भाइयों से, उनसे निवेदन करके जिनको हम लोग जिनके आधार पर इसको लेके चल रहे हैं, उन कविवर चंद्रवरदाई के वंशजों से पूछना चाहिए कि साहब इसमें गुर्जर शब्द आया है, इसमें गुर्जरी शब्द आया है, इसका क्या अर्थ है? देखिए इसमें दो तीन जगह लिखा हुआ है, भाग एक में 55 नंबर पृष्ठ पे लिखा हुआ है, नहीं 55 नंबर पृष्ठ पे लिखा हुआ है, जिसको मैं बांचना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, इस बात से अच्छी नहीं है किसी के बारे में लिखना। इसमें लिखा हुआ है कि गुजरी के द्वारा बनाई गई रबड़ी भी त्याज्य है, जबकि राजपुत्री राजकन्या द्वारा बनाई गई साधारण जो है दलिया भी कैसी भी रोटी स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, कविवर चंद्र वरदाई कह रहे हैं। उनके एक नए नए इतिहासकार हुए हैं बिना इतिहास की डिग्री के, जिनका नाम है आचार्य विक्रम जी, वो जगह जगह पृथ्वीराज रासो चिल्लाते हैं, उनको ये श्लोक पढ़ना चाहिए। आपको भी इसकी कॉपी दी जाएगी, आप भी यदि मौका लग जाए कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उनसे ये पूछिएगा कि ये क्यों नहीं पढ़ा आपने। इसके अलावा इसमें आगे का एक श्लोक है जिसमें बार बार वो गुज्जर गुज्जर जिक्र कर रहे हैं, उसमें गुर्जर नहीं लिखा, गुज्जर लिखा है, चाचिक 209 पेज पे निकालो, चाचिक मेहर चाचिक, इसका जिक्र है। पृथ्वीराज जी एक स्वप्न देखते हैं और सपने में ये चीज देखते हैं, उसमें चाचिक का जिक्र है,
ये देखिए, इसको पढ़ के भी हम देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि चाचिक जो है वो सामने आ गए। अब ये चाचिक कौन है? चाचिक निश्चित रूप से गुजरे, लेकिन इसको पूरा पढ़ें, सभी लोग पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है काका कान चौहान। जो काका कान चौहान कौन थे? सोमेश्वर के छोटे भाई, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के काका, जिनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामने किसी ने मूंछ पर हाथ फेरा और उन्होंने गर्दन काटी। चालुक्यों से जो उनका झगड़ा था, भीमदेव सोलंकी और उनके परिवार से, वो उसके पीछे भी यही रीजन था। काका कांद चौहान का धावर है ये। कौन है धावर? क्योंकि डिंगल साहित्य, मैं राजस्थान का हूं, थोड़ा सा मैं भी जानता हूं, धावर का मतलब होता है धा भाई। धा भाई का मतलब होता है मेरी धाय का बेटा, जो मेरा भाई लगा। चाचिक यानी धाय। हमारी गुजर माताएं उस समय भी थी, उनको बार बार प्रणाम है, जिन्होंने अपने बच्चे का दूध किसको पिला दिया? राजपुत्रों को पिला दिया। काका कांद चौहान को जिस गुजरी माता ने दूध पिलाया, उसका बेटा था चाचिग, और उस चाचिग के बारे में इसमें जिक्र है। अर्थात पृथ्वीराज चौहान यदि गुजर जाति के होते जैसा वो कहते हैं, तो फिर ये धाबाई वाला क्या मतलब है? धाबाई तो होना ही नहीं चाहिए था। धाबाई नाम की जो गुजरों के अंदर एक वर्ग है, वो गुजरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो कोई एक कुल नहीं है। भरतपुर का धाबाई अलवर के धाबाई से शादी करेगा, अलवर का धाबाई मेवाड़ के धाबाई से यहां शादी करेगा। ये आपस में उनके वैवाहिक रिश्ते, मतलब वो एक कुल नहीं है, एक वर्ग है। और वो वर्ग कैसा है? जो राजाओं के सबसे नजदीक रहता है, जिनकी माताओं ने राज परिवारों के राजपुत्रों को अपना दूध पिलाया है, और उन दूध पिलाने वाली माताओं के बेटों को आज हमारे वृद्ध खड़ा कर दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, और हमारी इस महान क्षत्रिय जाति के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारे राजनीतिक विरोधियों द्वारा और हमारे परंपरागत शत्रुओं द्वारा ये जानबूझकर हमारे खिलाफ खड़े किए गए हैं, ताकि इस क्षत्रिय वर्ण का नाश किया जा सके। आज की तारीख में जितनी भी विचारधारा है, वामपंथ वाली भी और आरएसएस वाली भी, आरएसएस वाले भी धूर्म वामपंथी हैं। कैसे? देखिए, समलैंगिकता को स्वीकार आरएसएस के प्रभाव वाले कोर्ट ने किया है। लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता आज के इस सरकार में मिली है। तो ये तो वामपंथियों के भी बाप है। वामपंथ के मामले में वामपंथियों ने कचरा किया। राजपूतों की उत्पत्ति सबसे ज्यादा जोर दिया विदेशियों द्वारा, और बार बार लिखा कि कर्नल टाड ने लिखा है कि शक हूण कुषाण और खजर जाति, जिसको लोग गुजरों से भी जोड़ते हैं, ये घोड़े की पूजा करते हैं और राजपुत्र जाति भी घोड़े की पूजा करती है। ये शस्त्रों की पूजा करते हैं और राजपूत जाति भी शस्त्रों की पूजा करती है। ये सूर्य की पूजा करते हैं और राजपूत जाति भी सूर्य की पूजा करते हैं। तो साहब राजपूत विदेशी हैं, ऐसा उन्होंने अनुमान लगा लिया। लेकिन हमारे यहां के भारतीय इतिहासकार ओझा जी और उन सहित जितने भी इतिहासकार हैं, उन्होंने इस बात को सिरे से खंडन किया कि घोड़े की पूजा तो राम भी करते थे। घोड़े की पूजा तो क्षत्रियों में प्राचीन काल से चली आई है। तो घोड़े की पूजा, सूर्य चंद्र की पूजा और शस्त्र की पूजा, ये बात साबित नहीं करती कि राजपुत्र विदेशी हैं, बल्कि ये तो ये बात साबित करती है कि शक सीतियन हूण कुषाण भी इनकी पूजा करते हैं।